अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है घर वर्कर से होंगे, खुश खुशहाल होंगे। और आज हम नई वीडियो लेके आए हैं जंबो बेबी कॉट, और ये कार सीट में भी लगा सकते हैं, और इसका हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, सारा कुछ दिखाएंगे, और इसका शॉपर वगैरह हम उतारेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिएगा, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, और उसको भी आप बिल्कुल दबा दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारी बहुत ख़ास है, और आप सपोर्ट करेंगे हमारा चैनल और इंशाल्लाह और आगे जाएगा। और आज कराची शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, और तकरीबन 40 सेंटीग्रेड जा रहा है इस टाइम, और हो सकता है कि शाम तक बारिश हो जाए। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं इस बेबी कोट के बारे में बताने का, और जंबो बेबी कोट, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये देख लीजिए, हमने इसका शॉपर वगैरह उतार दिया और इसकी अनबॉक्सिंग भी कर दी है, और हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में ये कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये है न्यू बॉर्न बेबी का है, और इसको गाड़ी की सीट पे भी ले जा सकते हैं, आउटडोर और इंडोर के लिए भी है, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये देखनी थी। और इसकी रॉकिंग देख लीजिए, ऐसे रॉकिंग करता है, ये ऐसे रॉकिंग करता है यूं करके, ये देखें अब रॉकिंग हो रही है। इसमें बच्चा, यहाँ बच्चे का हेड होता है, यहाँ पर ये बेल्ट वगैरह, ये ऐसे खुल जाता है बेल्ट, इसका ये ऐसे खोला, ये ऐसे करके खुल जाता है, ये खुल गया। जब इसको लगाना हो ना, इन दोनों को ऐसे करके जोड़ देना है, यूँ करके ऐसा करके ये लगा दिया, इन दोनों को जोड़ के फिर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने लगा दिया इसको, ये लग गया। ये ऐसे लगाया होता है बच्चे के बाजू वगैरह में लगाने होते हैं ना, तो बच्चे के बाजू में दर्द ना हो। सॉफ्ट है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, वेलवेट कपड़े का होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ये भी बिल्कुल सॉफ्ट है बच्चे का बैठने के लिए। और ये इसके यहाँ पर एक नीचे, ये अगर इसको ऊपर लाना है ना स्टैंड को, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे इसका बटन है, यहाँ पर बटन लगा हुआ है, इन दोनों बटन को दबाना पड़ेगा। ये देखें, ये मैं प्रेस करूँगा ना, ये प्रेस हो रहा है, अब दूसरा बटन भी हमें प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ से इन दोनों बटन को दोनों हाथ से दबाना होगा हमें। ये देखें, मैं एक में नहीं कर सकता, मेरे एक हाथ में कैमरा है, तो मैं दोनों हाथ से उसको ऊपर करूँगा। ये देख रहे, ये ऊपर कर दिया है, इन दोनों बटन को दबा के, इन लाल बटन को दोनों दबाना, दोनों हाथ से दबाना है, तो ये ऊपर आएगा। ये यहाँ से भी आप हैंडल कैरी कर सकते हैं। ये है जंबो बेबी कैरी कॉर्ड, और जंबो बेबी कॉर्ड भी बोलते हैं उसको, और बहुत ज़्यादा चल रहा है, और इसकी कपड़ा भी वाशेबल है और सॉफ्ट भी है। और ये अगर इसकी ये जो कपड़ा है ये नीचे हुआ है, इसको भी ऊपर कर सकते हैं, छत जो बनी हुई है, ये छतरी है, ये देखें, ये ऊपर कर दिया हमने, ये इसका कपड़ा ऊपर हो जाएगा, ये लगा हुआ, यहाँ पर लॉक लगा होता है इसका, ये यहाँ पर फंसा हुआ होता है, ये चाहे तो उसको हम निकाल भी सकते हैं, ये नीचे ऊपर भी कर सकते हैं, ये देखिए नीचे ऊपर कर सकते हैं, ऊपर करना हो ये ऊपर हो जाता है। अब ये इसको हम लोग निकालना चाहिए, इसको अगर निकालना चाहे इसको हम निकाल भी सकते हैं यहाँ से, ये करके, ये देखो निकालेंगे ना, ये मैं खेती का जोर से ये बार आ गया, ये देखें, जब इसको लगाना हो तो ये यू करके भी लगा सकते हैं, ये वहाँ से भी निकाल लो, वहाँ से भी निकल जाता है, ये भी निकाल के मैं दिखाता हूँ आपको, ये निकल गया, ये देखें मैंने निकाल दिया, ऐसे करके लगा सकते हैं। फिर इसको दोबारा उसी तरह लगा देना है, जैसे ये देखें यहाँ पर करके लगा सकते हैं, यूँ करके यूँ किया, यहाँ से भी लगा दिया, उधर से भी लगा दिया, जैसे भी, फिर ये कपड़ा जो नीचे है ना अंदर, तो उसको पीछे कर देना, हमने पीछे कर दिया, अब इसको हम ऊपर ले आएंगे, ये ऊपर आ गया। ये ऐसे लगाते हैं कि वो बच्चा आराम से सो सकता है, धूप वगैरह से बच सकता है, इस वजह से लगाने के लिए होता है। और ये देखिए, ये रॉकिंग हो रही है, इसको आप कार सीट में भी लगा सकते हैं, कार सीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए ये लिखा हुआ है कार सीट का, कार सीट में भी आप लगा सकते हैं, इस तरह नहीं करके लगाना जैसे ये लिखा हुआ है कि ऐसे लगा दिया, उल्टा नहीं लगाना, हमने यूँ करके लगाना है, यूँ, ये देख लीजिए, ये आ रहा है, ये इस तरह करके लगाना है, यूँ करके, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ग्रुप वगैरह सब इसमें है, ये बेल्ट वगैरह सारी हर चीज़ लिखी हुई है। कार सीट का एक लॉक दिया हुआ है, वो पीछे से लॉक है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे, वो लॉक है यहाँ पर, वो है यहाँ पर, ये रहा,
ये इधर फंसेगा, और यहाँ पे सामान रखने की जगह भी है। ये देखें, ये इसकी मच्छरदानी है, ये मच्छरदानी ये ऊपर चढ़ा सकते हैं, ये रबड़ वाली मच्छरदानी है। वो हमें बताएंगे कैसे चढ़ी जाती है। और ये था, हमने इसका बॉक्स बंद कर दिया ऐसे करके, और ऐसे करके खोलना होता और ऐसे करके बंद कर दिया। प्लास्टिक बहुत ज़बरदस्त है, हार्ड प्लास्टिक है, क्वालिटी अच्छी है, धूप में भी चलेगा तो ख़राब नहीं होगा। ये देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है, ऐसे भी होता है इसको, ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, कार सीट के ऑप्शन में कैसे यूज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। हर चीज़ मौजूद होती है और हर चीज़ आपको बताई जाएगी कि कैसे यूज़ किया जाता है इसको। ये बेल्ट वगैरह लगा हुआ है, नीचे बेल्ट वगैरह यहाँ से यूँ आ रहा है यहाँ से, और उसका मैं प्लास्टिक भी अंदर से दिखाता हूँ आपको, खोलता हूँ यूँ करके दिखाता हूँ आपको प्लास्टिक। और ये देखें प्लास्टिक, बेहतरीन प्लास्टिक है, बेहतरीन प्लास्टिक है, कोई इसमें शिकायत नहीं है, चीज़ अच्छी है। ये देखिए आप देखें, लाइट मारता हूँ यहाँ। और ये जैसे ये रॉकिंग कर रहे हैं ना, आप इसको चाहते हैं कि ये रॉकिंग ना करे, ऐसे ना करे, तो वो भी सिस्टम इसके अंदर है, वो भी दिया हुआ है। ये बटन आप दोनों दबाएंगे, जैसे मैंने बोला था दोनों दबाना है, तो पीछे भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए मैं दोनों को दबाऊंगा, तो मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं करता हूँ, दोनों को दबाता हूँ, जैसे आपको मैं बताया है कि दोनों हाथ से इनको नीचे कर देना है। ये देखिए मैं दोनों हाथ से इनको नीचे कर दिया है, और आप चाहते हैं कि ये रॉकिंग ना करें, तो उसका भी हाल है कि आप इन दोनों बटन को दबा के नीचे कर देना है, ऐसे नीचे कर देना है। ये देख लीजिए मैंने नीचे कर दिया, ये नीचे हो गया, ये देख लीजिए, ये भी मैंने नीचे कर दिया, ये देखिए नीचे हो गया। अब ये रॉकिंग नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, ये स्टॉप हो गया। ठीक है, ये थी सारी चीज़ें करने की, तो ये अभी रोक दिया। अब इसको दोबारा ऊपर लाना है, वही दो हाथों से उनको बटन दबा के ऊपर ले आना है। कि मच्छरदानी है, मैं आपको दिखा रहा था, ये मच्छरदानी है, ये ऊपर इसके ऊपर चढ़ानी होती है, ये ऊपर ये मैं चढ़ा के दिखाता हूँ कैसे चढ़ती है। ये देख लीजिए मैंने मच्छरदानी चढ़ा दी है, ये देख लीजिए ये ऐसे चढ़ती है, ये देखें ये ऐसे चढ़ाई जाती है मच्छरदानी। इसमें ये मैंने साड़ी चढ़ा दी है, ठीक है जी। ये आसान है तरीका है, ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ा देनी है ऐसे करके। ये इसकी रबड़ होती है ना, ये रबड़ यहाँ से पकड़ लेगी, और भी ऊपर करके ला सकते हैं आप उसको, जितना चाहे आप उसको चढ़ा सकते हैं। ये देख ली मैंने इसकी मच्छरदानी उतार दी है, और इसका जो प्लास्टिक है एक नंबर है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अभी तक उसमें कोई ऐसी शिकायत नहीं आई, इंपोर्टेड चाइना का ही है, और ये डब्बे में भी आता है, और अगर आपको बगैर डब्बे का चाहिए तो बगैर डब्बे का भी मिल जाता है, सही है। और ये वाशेबल भी, इसको धो भी सकते हैं, अगर गंदा भी हो जाए तो वाशेबल है, इतनी जल्दी वो गंदा नहीं होगा, और ये साल के बाद ही धो लेना, कोई मसला नहीं है। अगर आपको चाहते हैं, आप लगता है कि ज़्यादा गंदा हो रहा है, तो आप इसको वाश भी कर सकते हैं, ये वाशेबल भी है। और ये न्यू बॉर्न बेबी का होता है, और न्यू बॉर्न बेबी बाबा दोनों के लिए होता है, तो उसको बेबी कैरी कॉर्ड भी बोलते हैं, बेबी कॉर्ड भी बोलते हैं। तो ये इसकी जो प्राइस मैं बता दूँ आपको, जो इसकी कीमत है वो है 3500 रुपये, पाकिस्तान की जो कीमत में आ जाता है वो पाकिस्तानी रुपीज़ 3500 रुपये का। और आपको ये किसी भी टॉय शॉप से मिल जाएगा, झूले की मार्केट कहीं पर मिले तो आपको ये मिल सकता है, बोल्टन सदर मार्केट कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, और इसको कैरी करना भी बहुत आसान है, आउटडोर इनडोर के लिए बहुत अच्छा है, और ये इसका इस्तेमाल कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और तो ये आज ये थी वीडियो, जो आज मैंने वीडियो आपको दिखाई। पहले भी मैंने आपको एक बेबी कोट दिखाया था, वो सपोर्ट वाला था, नीचे वो सपोर्ट लगी हुई थी, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख लीजिएगा। तो डिमांड ज़्यादा है इनकी, काफ़ी चलते हैं, और जिस चीज़ को जिनको भी चाहिए हो तो आप बोल्टन सदर मार्केट से देख सकते हैं, किसी भी टॉय शॉप से। और इसमें बहुत सारी क्वालिटी भी आती हैं, 5000 वाले भी आते हैं, 7000 वाले भी आते हैं, क्वालिटी भी होती है, कोई थाईलैंड कंपनी जो, और कोई यूएसए का होता है, कोई जापानी होता है, और ये चाइना का आइटम है इस टाइम में जो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये भी ज़्यादा चलते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है। तो आज से ये वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाई, तो इंशाल्लाह ताला आपको नई वीडियो भी आती जाएंगी, तो उन वीडियो को इंजॉय कीजिएगा,
और वॉच और वीडियो पूरी देखिएगा आप, जो जब भी वीडियो देखें ना पूरी देखे करें, और भी नई वीडियो मेरी आती रहती है उनको भी देखे करें, जो पुरानी है उनको भी देखे करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया वो उनका बहुत शुक्रिया, वो सब्सक्राइब कर रहे हैं मुझे, सब्सक्राइब के लिए बहुत थैंक यू, और नई वीडियो भी आती रहेंगी इंशाल्लाह। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और मिलते हैं अगली नई वीडियो में इंशाल्लाह, और हो सके तो गलती हुई तो माफ़ कर देना इंशाल्लाह, फिर नई वीडियो मिलेंगे, खुदा हाफिज़।